भाई साहब बचपन में हमें बल्लेबाजी के सिर्फ दो ही रूल पता थे, या तो टुक टुक करके लंबी बारी लो या छक्के लगाओ और धाकड़ कहलवाओ। वैसे आपका बचपन किस रूल को फॉलो करते हुए गुजरा है, धाकड़ बल्लेबाजी या टुक टुक वाली बारी, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट का T20 फॉर्मेट हो या वनडे, हमारे लिए बल्लेबाज का धाकड़ होना इतना ही जरूरी होता है जितना सल्लू भाई का बिला वजह बॉडी दिखाना, क्योंकि आजकल हम क्रिकेट लीग्स के मैचेस भी बॉलीवुड मूवीज की तरह हीरो के नाम की वजह से देखते हैं, और हमारे हीरोज होते हैं वो धाकड़ बल्लेबाज जिनकी स्पेशलिटी हमें ऐसे ही याद रखते हैं जैसे वो क्रिकेटर नहीं कोई दिल का डॉक्टर हो। अरे आज CSK का मैच है, मतलब धोनी के हेलीकॉप्टर छक्के देखने को मिलेंगे। पंजाब का मैच हो तो KL राहुल के फ्लैट फ्लिक सिक्सेस। दिल्ली का मैच मतलब पंत के 100 छक्के। मुंबई इंडियन मतलब रोहित के पुल शॉट और हार्दिक पांड्या का कंगफू स्टाइल। RCB का मैच मतलब नो मोर 360, लेकिन विराट की पावर स्ट्रोक और मैक्सवेल के स्विच हिट छक्के तो देखने को मिल सकते हैं ना। मतलब भाई साहब हमने इस धाकड़ स्टाइल में भी कई सारी कैटेगरीज बना रखी हैं। इन सारी कैटेगरीज में वैसे तो हर अग्रेसिव बल्लेबाज शामिल है, लेकिन इस वीडियो में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा बल्लेबाज किस शॉट में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 इनोवेटिव सिक्सेस एंड 10 डिफरेंट स्टाइल्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ये सब्सक्राइब वाला प्यार भी आज दिखा ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूप शॉट सिक्स। दोस्तों वैसे तो स्कूप शॉट का इन्वेंटर जिम्बाब्वियन बल्लेबाज मिलेनियस को माना जाता है, जो स्कूप शॉट खेलने में इतने माहिर थे ना, इवन वो किसी भी फास्ट बॉलर के खिलाफ नडर अंदाज में स्कूप शॉट खेलते थे। मगर 2002 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रेन कैंपबेल ने स्कूप को थोड़ा और बेहतर बना के पेश किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों कैंपबेल के बाद दिलशान के स्कूप शॉट ने तो धूम मचा दी जब उन्होंने पहली बार ऐसी परफेक्ट स्कूप शॉट खेली कि बॉल सीधा बाउंड्री से बाहर ही जाके गिरी। और जाहिर है जहां बात छक्के की आ जाए ना, वहां पुरानी बातें खत्म। इस बार भी कुछ ऐसे ही पुराने स्कूप शॉट को भूलकर दिलशान के स्कूप शॉट का नाम दिल स्कूप रख दिया गया। दिलशान का स्कूप शॉट इतना परफेक्ट था कि बॉल सीधा कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री से बाहर जाया करती थी। दिलशान के बाद स्कूप शॉट हर अग्रेसिव बल्लेबाज के लिए किसी कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह जरूरी हो गई। जैसे ब्रैंडन मुकैलम ने जब इस शॉट का इस्तेमाल शुरू किया तो फिर क्या ब्रैटली और क्या शॉन टेट, हर तेज से तेज बॉलर को स्कूप पे छक्का मारा। मुकैलम को एडवांटेज था अपनी फुर्ती का, वो इतनी जल्दी स्कूप पोजीशन बनाते थे कि बॉलर समझ ही नहीं पाता था। मुकैलम की स्कूप शॉट दिलशान से काफी हटके भी थी, क्योंकि मुकैलम ये शॉट खेलते वक्त अपनी बॉडी को सेफ रखते थे कि अगर शॉट मिस भी हो जाए तो इंजरी ना हो, इसलिए दिलशान वाला रिस्क लेने की बजाय क्रिकेटर्स ने मुकैलम को फॉलो किया। 2010 के बाद तो हर धाकड़ बल्लेबाज ने स्कूप सिक्स लगा के ही छोड़ा। जैसे विराट का ये वाला स्कूप सिक्स तो देखे कि कैसे विराट बड़ी आसानी से एक तेज गेंद को लंबा छक्का रसीद करते। वैसे पोलार्ड भी अपने लंबे चौड़े जिस्म के साथ स्कूप शॉट खेल ही लेते हैं, देखिए तो जरा। या फिर ऋषभ पंत का ये वाला स्कूप शॉट तो देखे। वैसे दिलशान के बाद डिक वाला दूसरे श्रीलंकन बल्लेबाज हैं जो स्कूप शॉट बड़े ही अमेजिंग स्टाइल से खेलते हैं, इवन कई बार तो विनर की शुरुआत भी इसी शॉट से करते हैं। या फिर एबी डिविलियर्स को देखिए, फादर ऑफ स्कूप सिक्सेस, जो हर एंगल में स्कूप शॉट खेल सकते हैं। तो जनाब कौन सा स्कूप सिक्स आपको सबसे बेहतर लगा, कमेंट में बताइएगा। स्विच हिट सिक्सेस। दोस्तों स्विच हिट एक ऐसी शॉट है ना जिसे बड़े दिल वाले और रिस्क टेकर बल्लेबाज ही खेल सकते हैं, क्योंकि इस शॉट को खेलने के लिए बल्लेबाज को अपनी टोटली पोजीशन चेंज करना पड़ती है। मतलब लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड और अगर राइट है तो लेफ्ट। वैसे शॉट का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लिश बैट्समैन केवन पीटरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। स्टार्स की डिलीवरी पर पीटरसन राइट से लेफ्ट पोजीशन में आते हैं और एक जबरदस्त छक्का लगाते हैं, और इस छक्के के साथ ही दुनिया को एक नई स्विच हिट शॉट भी दे देते हैं। आजकल तो इस शॉट में और भी कई बल्लेबाज माहिर हैं, जैसे मैक्सवेल के स्विच हिट छक्के का तो जवाब नहीं है। इनकी इनिंग के 50% शॉट्स तो स्विच हिट ही होते हैं, खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ तो मैक्सवेल स्विच हिट में इतने एक्सपर्ट हैं कि इनका कोई भी वार खाली नहीं जाता। वैसे स्विच हिट खेलने में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सबसे ज्यादा कामयाब नजर आते हैं, क्योंकि ये छोटे कद वाले बड़े बल्लेबाज डेविड वार्नर भी स्विच हिट छक्का लगाने में कमाल है जनाब। जैसे अश्विन को लगाया गया इनका ये वाला छक्का तो देखे, या फिर IPL में स्मिथ का लगाया गया ये वाला स्विच हिट सिक्स भी देख ले। वैसे बेन स्टोक्स भी स्विच हिट छक्के वाला रिस्क अक्सर लेते हुए नजर आते हैं, जैसे 2019 की एशेज का इनका ये फेमस स्विच हिट छक्का किस किस को याद है। तो भाई साहब किसका स्विच हिट सिक्स आपको सबसे बेहतर लगा। वन हैंडेड सिक्सेस। भाई वन हैंडेड शॉट वैसे तो बल्लेबाज की तरफ से अनइंटेंशनली खेली जाती थी, कई बार बैट स्लिप हो जाने की वजह से। जैसे ब्रायन लारा का अजहर महमूद को लगाया गया ये वाला वन हैंडेड छक्का तो देखे।
दरअसल ये बैट स्लिप हो जाने की वजह से ही तो 106 लगा था। वैसे कुछ बल्लेबाज ना खुद से 100 शॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब गेंद बल्लेबाज की एक्सपेक्टेशन से तेज हो और बल्लेबाज को क्विक रिएक्शन करना पड़े, जैसे क्रिस गेल का लगाया गया ये वाला 100 छक्का ही देख ले। या फिर कई बार बल्लेबाज बैट को लॉन्ग स्विंग देने के लिए भी 100 शॉट का इस्तेमाल करता है, जैसे ये वाला शॉट देखिए। या फिर एबी डिविलियर्स का लगाया गया ये वाला शॉट ही देख लीजिए। वैसे रोहित शर्मा का ये 106 देखकर आपको अंदाजा तो हो ही जाएगा कि ये शॉट बैट को लॉन्ग स्विंग देने के लिए खेली गई है, जिससे सिक्स भी ऊंचा और लॉन्ग ही जाता है। लेकिन इंडियन बल्लेबाज ऋषभ पंत वो वाहिद बल्लेबाज है जो इस शॉट का इस्तेमाल खुद करते हैं। पंत की 100 शॉट में लॉन्ग स्विंग के साथ साथ एक्स्ट्रा पावर भी होती है, जिससे छक्का लंबा तो जाता ही है, साथ में हवाओं में ऊंचा भी जाता है। ऋषभ पंत की हर इनिंग में ज्यादातर छक्के तो 100 ही होते हैं, तो यहाँ आपको भी मेरी तरह पंत का 100 छक्का ही पसंद आया होगा, है कि नहीं? हेलीकॉप्टर सिक्स। भाई सब बात हेलीकॉप्टर शॉट की हो तो एक ही नाम माइंड में आता है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी से पहले भी कुछ खिलाड़ी इस शॉट का इस्तेमाल कर चुके हैं? जैसे कि सचिन ने इस शॉट का इस्तेमाल धोनी के डेब्यू से भी 2 साल पहले किया था। वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाए थे, जबकि धोनी भी पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इस शॉट पर बाउंड्री नहीं लगा पाए थे। मगर फिर उसी मैच में धोनी का बल्ला इस अंदाज में घूमा के वो छक्का हेलीकॉप्टर कहलवाया। वैसे तो धोनी ही हेलीकॉप्टर शॉट के किंग है और कोई दूसरा बल्लेबाज इनसे परफेक्ट ये शॉट खेल ही नहीं सकता। मगर कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हैं जो जरा हट के हेलीकॉप्टर शॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अफगानी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को देखिए, जो बल्लेबाज तो हट के हैं ही और कई बार ऐसी शॉट्स भी खेल जाते हैं जो इनको खुद भी पता नहीं होती। कुछ इसी तरह शहजाद ने एक बार हेलीकॉप्टर शॉट भी खेली थी। या फिर राशिद खान। वैसे तो राशिद खान टेल अंडर बल्लेबाज है, मगर वो हिटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं और ये हेलीकॉप्टर शॉट तो वो क्या खूब ही खेलते हैं। धोनी को गुरु मानने वाले ऋषभ पंत जहां कीपिंग में धोनी को फॉलो करते हैं, वहीं ये शॉट भी धोनी की तरह ही खेलते हैं, जैसे ऋषभ पंत का ये वाला हेलीकॉप्टर छक्का तो देखे। और अब बात करते हैं धोनी के बाद सबसे परफेक्ट अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट खेलने वाले हार्दिक पांड्या की, जिनकी ये वाली हेलीकॉप्टर शॉट तो कमाल है ही, साथ में इनका एटीट्यूड भी चेक करें जरा। तो भाई सब क्या ख्याल है किसकी हेलीकॉप्टर शॉट में सबसे ज्यादा दम है? नो लुक सिक्सेस। भाई सब क्रिकेट का एक ऐसा शॉट जिसमें बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों ही 100% पे होते हैं। वैसे पर्सनली मुझे ये शॉट इसलिए भी पसंद है कि बल्लेबाज को अपनी इस हिट पर इतना यकीन होता है ना कि वो आंख उठाकर उसे तब देखता है जब बॉल बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाती है। नो लुक शॉट्स भी क्रिकेट में कई सारे बल्लेबाज खेलते हैं, मगर एंड्रयू फ्लेचर तो इस शॉट के बॉस हैं जनाब। जब भी कोई बल्लेबाज इनकी स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद डालने की गलती करता है ना, तो फिर फ्लेचर कुछ इस अंदाज में छक्का लगाते हैं कि गेंद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, और ऐसा वो अक्सर करते हैं या फिर शायद हर बार करते हैं, क्योंकि नो लुक सिक्स का बादशाह फ्लेचर को ही कहा जाता है। जैसे इनका मिशेल स्टार्क को लगाया गया ये वाला छक्का देखे, या फिर ये वाली पावर पैक शॉट। इस अंदाज में फ्लेचर का अपना ही स्वैग है भाई साहब। वैसे नो लुक सिक्स तो अफगानी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद भी लगा चुके हैं, और वो भी कुछ अनोखे अंदाज में। कैसा लगा? और मार्टिन गुप्टल के ये नो लुक सिक्स का तो जवाब नहीं है जनाब। इतना एटीट्यूड तो भाई साहब रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी करके नहीं दिखाया होगा। या फिर श्रेयस अय्यर का लगाया गया ये वाला नो लुक सिक्स ही देख ले, ये भी कुछ कम नहीं है। और वाशिंगटन सुंदर के इस छक्के ने तो हर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को चौंका के रख दिया था। क्लासिक नो लुक सिक्स। लेकिन बात यहां भी महेंद्र सिंह धोनी पर आके ही खत्म होने वाली है जनाब, क्योंकि बॉस तो बॉस ही होता है ना। धोनी ने ये नो लुक सिक्स तब लगाया था जब शायद किसी को इसके बारे में पता तक नहीं था। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया धोनी का ये नो लुक सिक्स दरअसल हेलीकॉप्टर स्टाइल में था, और ऊपर से धोनी का एटीट्यूड और पावर तो चेक करें जरा। बॉल बाउंड्री से बाहर कहीं दूर जा गिरती है, मगर धोनी इसको आंख उठा के नहीं देखते। तो क्या ख्याल है जनाब, आप किस बल्लेबाज के नो लुक सिक्स को 10 out of 10 देने वाले हैं? कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।